Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video we are going to do a poem of class 3rd English and name of the poem is Trains. So पहले मैं आपको poem हम लोग read करेंगे, उसका meaning समझेंगे and then इसी video में मैं आपको इस poem के question answers भी cover कर लेंगे हम लोग, because बहुत lengthy poem है नहीं. Okay, so without wasting any time start करते हैं. Trains, over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the train. माउंटेन के ऊपर से होती हुई, प्लेन मैदानों के ऊपर से होती हुई, रिवर्स के ऊपर से होती हुई, यहाँ पर ट्रेन आ गई है. हेयर कम द ट्रेन. कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स इन विदाउट फेल. पैसेंजर्स को ये कैरी कर रही है, जो यात्री है उनको. कैरिंग मेल्स, आपको पता होगा आपके जो मेल होते हैं, आप लेटर्स जो आप भेजते हैं वो भी एक से दूसरी जगह ट्रेन के थ्रू ही जाते हैं. Bringing their precious loads, और उनके बहुत सारी precious चीज़ें भी है जिसको ये carry करते हैं. In without fail, बिना किसी failure के successfully. Thousands of freight cars all rushing on, through day and darkness, through dusk and dawn. तो हज़ारों freight cars डब्बे इसमें जुड़े हुए हैं. All rushing on, सभी दौड़ रहे हैं. Through day and darkness, दिन हो या रात हो, dusk हो या dawn. Dusk हम बोलते हैं जो आपका सुबह, सॉरी आफ्टर, जब सूरज छिप जाता है लेकिन उसके बाद भी जो थोड़ी रोशनी होती है उस टाइम को हम लोग डस्क बोलते हैं. एंड डॉन होता है, सूरज निकला नहीं होता तब तक, सनराइज से पहले जो रोशनी होती है वो डॉन होता है हमारा. देन ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर, हेयर कम द ट्रेन. बड़ी ही ईजी पोएम है आपकी. जेम्स एस टिपेट इसके पोएट है. और न्यू वर्ड्स आपके माउंटेन्स, आपको पता होगा पहाड़. पैसेंजर्स जो लोग होते हैं. रिवर्स नदियाँ. प्रीशियस कीमती. मेल चिट्ठी जो आप भेजते हैं, मेल करते हैं किसी को. प्लेन्स मैदान. डस्क एंड डॉन का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ. तो ये आपके कुछ आपके वर्ड मीनिंग्स हैं इंपॉर्टेंट. चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं. पहला क्वेश्चन है, वेयर डू द ट्रेन्स रन. ट्रेन कहाँ पर रन करती है? इसका आंसर होगा आपका, द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर. वो माउंटेन्स, प्लेन्स और रिवर के ऊपर से रन करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रीशियस लोड्स दैट दे कैरी. कौन सा प्रीशियस लोड, कीमती सामान वो कैरी करती है? तो क्या कैरी करती है? दे कैरी इंपॉर्टेंट पेपर्स, लोग अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स के साथ चलते हैं. लगेज सामान, गोल्ड एंड सिल्वर एट्सेट्रा, विच आर वेरी प्रीशियस, जो कि बहुत कीमती होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डू ट्रेन रन. ट्रेन कब दौड़ती है, कब रन करती है? तो द ट्रेन रन आफ्टर कैरिंग पैसेंजर्स, मेल्स एंड प्रीशियस लोड्स. किसको कैरी करके? पैसेंजर्स, मेल और प्रीशियस लोड्स को कैरी करने के बाद वो रन करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डस्क एंड डॉन. डस्क का मतलब क्या होता है? डस्क का मतलब होता है द डार्कर स्टेज ऑफ ट्विलाइट, और डॉन होता है ब्रेक ऑफ द डे. जैसे दिन निकलता है आपका बिफोर सनराइज, द लाइट बिफोर सनराइज इज कॉल्ड डॉन, एंड द लाइट आफ्टर सनसेट इज कॉल्ड डस्क. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू एंजॉय ट्रेन राइड्स. क्या आपको ट्रेन राइड्स पसंद है? डेफिनेटली सभी बच्चों को ट्रेन राइड्स बहुत पसंद होती है, और अगर विंडो सीट मिल जाए तो और भी अच्छा है. तो येस, डेफिनेटली आई एंजॉय ट्रेन राइड्स वेरी मच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू हैड टू ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आपको लंबी डिस्टेंस पर कहीं जाना है, हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई. आप तुम कैसे जाना पसंद करोगे और क्यों? इसके आंसर्स आपके सभी के डिफरेंट हो सकते हैं, बट एक ही आंसर मैं आपको बता देती हूँ जो थोड़ा सा मेरी तरफ से आंसर है, आप चेंज भी कर सकते हैं इसमें. सो आई वुड लाइक टू गो बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से जाना पसंद करूँगा. दिस इज़ बिकॉज इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये बहुत कम्फर्टेबल मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. दिस हैज़ स्लीपिंग अरेंजमेंट, ट्रेन में सोने के लिए भी अरेंजमेंट होता है, टॉयलेट फैसिलिटी भी होती है, एंड आर एसेंशियल फॉर ट्रैवलिंग ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आपको लंबी डिस्टेंस पर कहीं जाना है तो इसलिए ट्रेन बेस्ट है लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन, अगर आपको ट्रेन में रात गुजारनी है, व्हाट वुड यू नीड टू टेक विद यू, तो आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाएंगे. ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स यू वुड नीड इन द सूटकेस, कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी, उनकी आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है और नाम लिखने हैं. आप जा रहे हैं एक दिन, मतलब आपको एटलीस्ट 24 आवर्स ट्रेन में बिताने हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास फूड होना चाहिए डेफिनेटली खाने के लिए, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है. बेडशीट होनी चाहिए सोने के लिए. वैसे कहीं जो आपकी ट्रेन्स है राजधानी नगर, उनमें आपको बेडिंग मिलती है, बट स्टिल अपनी अगर एक साफ सी बेडशीट हो तो ज़्यादा अच्छा है. पिलो होना चाहिए कंफर्टेबली सोने के लिए, एंड टूथब्रश. ऑब्वियसली आप सुबह उठेंगे तो पेस्ट आप सभी करते हैं, तो आप ये चीज़ें हैं कुछ एसेंशियल जो आपके पास होनी चाहिए. और आई थिंक कुछ टाइम पास करने के लिए आप मैगजीन, न्यूज़पेपर्स या फिर कोई फ़ोन अपने पास रख सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आपको कुछ यहाँ पर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिए हुए हैं और आपको उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है कि कौन उनमें से लैंड ट्रांसपोर्ट है, कौन सा एयर ट्रांसपोर्ट है और कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो देखिए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट मैं पढ़ देती हूँ, बस, कार, एरोप्लेन, शिप, बोट, ट्रेन, बाइसिकल, हेलीकॉप्टर, ट्रक एंड स्टीमर। तो आप सबको पता होगा बस आपका लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, कार आपका लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, एरोप्लेन एयर ट्रांसपोर्ट, शिप वाटर, बोट वाटर, ट्रेन लैंड, बाइसिकल लैंड, हेलीकॉप्टर आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक लैंड एंड स्टीमर आपका वाटर। ओके, तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे जो आप इस टेबल में फिल कर लेंगे। कुछ आप अपनी तरफ से लिखना चाहते हैं तो याच लिख सकते हैं एंड हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस, गिव मी सम डैश टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ दो, क्या, फूड या क्लोथ्स। क्लोथ्स आप डेफिनेटली नहीं खाते हैं तो आंसर यहाँ पर फूड आएगा। नेक्स्ट है प्ले विद डैश, प्ले विद ग्रे और प्ले विद मी, प्ले विद मी डेफिनेटली मेरे साथ खेलो तो यहाँ पर मी आ जाएगा। स्विम अक्रॉस डैश, उसके अक्रॉस स्विम करो, किसके, बोट के अक्रॉस आप डेफिनेटली नहीं कर सकते तो स्विम अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट है लेट्स गेट ऑन द डैश, चलो उसके ऊपर चलते हैं, किसके, लेट्स गेट ऑन द ट्रेन। ओके, ना कि डॉन, डॉन का इसमें कोई सेंस बनता ही नहीं है यूज़ करने का। सो ये आपके छोटी सी पोएम थी, बहुत कम क्वेश्चन आंसर्स थे और ये छोटी सी वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर हो गए। इसकी ऑलरेडी इस चैप्टर की, एक्चुअली इस पोएम के क्विज चैनल पर अवेलेबल है, चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा तो आप सभी उस क्विज को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।